हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम कॉस्टिंग का अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले उसका मीनिंग समझना जरूरी है कि कॉस्टिंग है क्या, कॉस्टिंग सब्जेक्ट किस लिए बनाए, कैसे बनाए, क्या है कॉस्टिंग का प्रॉपर मीनिंग क्या है, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कल्याण इंस्टीट्यूट की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। कल्याण इंस्टीट्यूट में क्या है, पार्टी है, पार्टी पार्टी पार्टी, हम पार्टी करेंगे अपने कोर्स के टाइम पे भी पार्टी। अब उस पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स कौन है, आप लोग, यू आर द ऑर्गेनाइजर्स। आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई, आपको इंस्ट्रक्शन दी गई आपको एक पार्टी अरेंज करनी है जिसमें आपको क्या करना है, एक डीजे पार्टी, डीजे पार्टी अरेंज करनी है, सबका डिनर अरेंज करना है उसमें। एंड न्यू ईयर है तो थोड़ा न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस, न्यू ईयर का डेकोरेशन वगैरह ऐसा कुछ हो जाए, राइट। ये आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और आपको कहा गया है कि आप टिकट्स रख लो, एंट्री टिकट्स रख लो, एंट्री टिकट्स रख लो और पार्टी ऑर्गेनाइज करो। अब आप से पूछा गया कि एंट्री टिकट्स की आप क्या फीस क्या रखना चाहते हो, आपका क्वेश्चन है एंट्री टिकट्स की फीस क्या रखना चाहते हो आप। अब मुझे एक बात बताइए, आप एकदम से बता देंगे कि हाँ इतनी एंट्री फीस रख लीजिए। आप पहले, आप सीए बनने जा रहे हो, अपना रिप्लाई इतनी जल्दी नहीं दोगे, अपना आंसर इतनी जल्दी नहीं दोगे जब तक सब कुछ एनालिसिस ना कर लो। एक बड़ी डिग्री, एक मतलब एक ऐसा पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने जा रहा, ऐसे कुछ थोड़ा ना बोल दोगे जब तक सब कुछ एनालिसिस नहीं कर लेते पूरी बात को, तब तक अपना रिप्लाई दे दोगे नहीं ना। आपने फीस डिसाइड करनी है कि एंट्री टिकट की फीस क्या होंगे, चार्जेस क्या होंगे, राइट। इसके लिए आप क्या करोगे, अपने माइंड में सोचोगे कितना का खर्चा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डेकोरेशन करवानी है न्यू ईयर की, किस स्टैंडर्ड की आपने पार्टी करनी है, किस स्टैंडर्ड की आपने डेकोरेशन करवानी है, डेकोरेशन करवानी है न्यू ईयर का, केक भी कट करना है क्या, न्यू ईयर की डीजे वाले को भी देना है और कुछ डिनर भी रखना है हमने, स्नैक्स भी रखने हैं और ड्रिंक्स भी रखनी है, ये सब चीजों का आप क्या करोगे। इन सब चीजों के लिए आप कॉस्ट देखोगे ना कि कितनी कॉस्ट आ रही है। फर्स्ट आप इन सब की कॉस्ट देखोगे, इन सब को एनालिसिस करके, इन सब को एनालिसिस करके आप क्या डिटरमाइन करोगे, कॉस्ट डिटरमाइन करोगे। कॉस्ट डिटरमाइन करके ही तो आप एंट्री टिकट की फीस बताओगे ना कि हाँ जी, इस आप मैनेजमेंट को क्या बताओगे, एंट्री टिकट की फीस के ऑप्शन, अगर आपने सारा कुछ एनालाइज करके 1000 कहा, फॉर एग्जाम्पल 1000 कहा, आपने देखा कि हाँ 50% की गैदरिंग हो जाएगी, 50,000 आपको क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू। अगर यही बात हम अपने कंपनीज में लेकर चले, मैन्युफैक्चरिंग में लेकर चले कि प्रोडक्ट कितने की सेलिंग प्राइस रखे, प्रोडक्ट की एंट्री टिकट, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखे हम, और सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी। यहाँ हमने इन सब की कॉस्ट एनालिसिस लगी कि डेकोरेशन पे मान लो हमारे 10,000 लग जाएंगे, केक आ जाएगा 4,000 तक का, 4-5,000 का केक आ जाएगा, डीजे पे हमारे इतने लग जाएंगे, डिनर पे हमारा इतना लग जाएगा खर्चा, राइट। तो आपने सब कुछ एनालिसिस किया, राइट। उसी तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले, जब आपने मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है उससे पहले उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है। हम मैथ्स में पढ़ के आए ना, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होती है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस आप डिसाइड करोगे नहीं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, यू आर ए प्राइस टेकर नॉट अ मेकर। इन मार्केट में आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, आप प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट डिसाइड करके देगी आपको प्राइस, ठीक है। आपने अगर प्रॉफिट कमाना है
तो आपको कॉस्ट प्राइस लगेगी। अगर आपने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, आपने अपनी कॉस्ट प्राइस रिड्यूस करी, तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस क्या होता है, पहले आपने कॉस्ट को समझना है, कॉस्ट के टाइप्स समझने हैं, कॉस्ट के मेथड्स समझने हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है कॉस्ट को, ये सब पढ़ना। लास्ट में फोकस कॉस्ट रिडक्शन पे किया जाता है कि किस तरीके से आप कॉस्ट को रिड्यूस करके प्रॉफिट हाई कमा लो, प्रॉफिट हाई कर लो, ये मेन फोकस होता है। तो हम पहले कॉस्ट को समझेंगे, कॉस्ट की प्लानिंग करेंगे, कॉस्ट के टाइप समझेंगे, हमारा इंटर लेवल पे इतना ही है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट के टाइप्स कॉस्ट समझाता हूं, एलिमेंट्स। मोस्टली अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो, मान लो आपने एक मार्कर बनाया, ये मार्कर बनाया, इस मार्कर को बनाने में आपका क्या लगा होगा, प्लास्टिक वगैरह लगा होगा, राइट? उस प्लास्टिक को आपने कन्वर्ट किया होगा, कन्वर्ट करना मशीन में कन्वर्ट किया होगा, या फिर मशीन के लिए आपको लेबर चाहिए होगी, या कोई हैंडमेड भी किया होगा तो लेबर चाहिए होगी, राइट? और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी आएंगे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हो गए या कुछ और एक्सपेंसेस हो गए। तो ये प्लास्टिक क्या था हमारा, प्लास्टिक क्या था हमारा, रॉ मटेरियल, मटेरियल लेबर, हमारी लेबर एक्सपेंसेस, हमारे अगेन एक्सपेंसेस, ठीक है? तो मोस्टली तीन चीज होती है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, ठीक है? अब हम अगर मटेरियल की बात करते हैं, टू टाइप्स है मटेरियल के, मार्कर बनाना था, ये पेन बनाना था, इसके लिए प्लास्टिक चाहिए, हमें पता है, देखकर हम मार्कर को देखकर हम समझ सकते हैं प्लास्टिक चाहिए, मार्कर में इंक भी तो डली होगी, इंक चाहिए, यस। एग्जांपल वन मार्कर। अब अगर आप दिमाग लगाओ तो आपकी कंपनी जो मार्कर बनाती है उस कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, हाँ जी होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कुछ पेपर्स चाहिए होंगे प्रिंटआउट्स वगैरह निकालने के लिए, हाँ जी चाहिए होंगे, सेल डिपार्टमेंट को पेपर चाहिए होंगे प्रिंटआउट निकालने के लिए, हाँ जी चाहिए होंगे, क्लीनिंग स्टाफ को फ्लोर क्लीन करने के लिए कुछ सामान चाहिए होगा, हाँ जी चाहिए होगा, राइट? ऑफिस में एसी भी आया होगा, ये सब चीज, ये सब क्या है, जो पेपर चाहिए होगा, क्लीनिंग फ्लूइड चाहिए होगा, मशीन्स है, मशीन को साफ करने के लिए ऑयल चाहिए होगा, ये सब चीजें क्या, आप एक मार्कर को देखकर पहचान सकते हो कि हाँ हाँ ये भी उस कंपनी वालों को रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल्स की। हम मार्कर को देखकर ये पहचान सकते हैं कि मार्कर बनाने वाली कंपनी को प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, इंक की रिक्वायरमेंट होगी, पर हम ये रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं कि पेपर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जनरल है, बट हम उस प्रोडक्ट को देखकर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, और ये क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, जो मार्कर को बनाने के लिए मार्कर की कंपनी को रिक्वायर्ड तो होगा, पर हम मार्कर को देखकर ये अज्यूम नहीं कर सकते, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरीके से अगर हम लेबर की बात करें, प्लास्टिक को मार्कर में कन्वर्ट करने के लिए चार लेबर चाहिए थी, एक लेबर मशीन चलाने के लिए, एक लेबर इंक फिल करने के लिए, एक लेबर पैकेजिंग के लिए, राइट? ऐसे इस तरीके से चार लेबर चाहिए थी, ठीक है, बढ़िया। अब जहां ये काम करते हैं उस जगह पर, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्लीनिंग स्टाफ भी होगा, कोई रिसेप्शनिस्ट भी होगी, कोई सीए भी होंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में,
राइट, ये हम मार्कर को देखकर, अगेन मार्कर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो, नहीं, मार्कर को देखकर हम ये लगा सकते हैं कि हाँ प्लास्टिक को मार्कर में कन्वर्ट करने के लिए हमें रॉ मटेरियल सॉरी लेबर चाहिए होगा, डायरेक्ट लेबर। पर हम मार्कर को देखकर ये नहीं सोच सकते कि क्लीनिंग स्टाफ उस कंपनी के लिए जरूरी होगा, रिसेप्शनिस्ट भी जरूरी होगी, एक सीए की भी रिक्वायरमेंट होगी, ये क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरीके से एक्सपेंसेस है, इस मार्कर का डिजाइन करने के लिए हमने किसी को रॉयल्टी पे करी है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है लाइक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो नेसेसरी तो थे बट मार्क को देखकर हम नहीं बता सकते एक्सपेंसेस लगोगे, दोज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। एग्जांपल नंबर टू, एक क्लॉथ है, इस क्लॉथ से शर्ट बनानी है, राइट, एक शर्ट बना लिया। अब हमें पता है कि शर्ट को देखकर हम कह सकते हैं क्लॉथ चाहिए होगा, दैट इज रॉ मटेरियल, इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। एक क्लॉथ को कट स्टिच किया होगा किसी ने, किसने किया होगा, किसी टेलर ने किया होगा ना, टेलर क्या है, डायरेक्ट लेबर। अब कटिंग स्टिचिंग की मशीन चली होगी, उस पर इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा, दैट इज क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या फिर शर्ट को किसी ने डिजाइन किया होगा, डिजाइनर को हमने पेमेंट किया, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिजाइनर, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो गए, जो मशीन थी टेलर की उस पर ऑयल, मशीन ऑयल यूज होता है, मशीन ऑयल वो खरीदना पड़ा हमें, ठीक है, इनडायरेक्ट मटीरियल। कोई स्टेशनरी खरीदनी पड़ी, इनडायरेक्ट मटीरियल। इनडायरेक्ट लेबर, वहां कोई क्लीनिंग स्टाफ था, कोई रिसेप्शनिस्ट थी, ये इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो इन सबको, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियर। हाँ जी, अब समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पोर्शन करेंगे, कुछ कॉस्ट हमारी क्या होती है, वेरिएबल, कुछ कॉस्ट हमारी क्या होती है, फिक्स्ड, और कुछ क्या होती है, सेमी वेरिएबल। वेरिएबल, बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने शर्ट बनानी थी, एक शर्ट बनानी है तो आपको 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 शर्ट बनानी है तो 6 मीटर, 100 शर्ट्स बनानी है तो 300 मीटर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, किसके साथ, आपकी प्रोडक्शन के साथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, किसके साथ, आपकी आउटपुट के साथ। ऐसे ही अगर आपको 200 बनानी है, यहां इंटू 200 कर दोगे, यहां इंटू 200 कर दोगे, 100 बनानी थी इंटू 100 इंटू 100, 150 बनानी है तो इंटू 150 इंटू 150, कैसे भी कर सकते हो, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, जो हमारे आउटपुट के साथ वेरी कर जाती है। जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज होगी, हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। नंबर पॉइंट वन, जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज होगी, हमारी टोटल कॉस्ट वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होगी। नंबर टू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करें, पर यूनिट की बात करें तो वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। चाहे आप 100 आउटपुट बना लो, चाहे 200 आउटपुट बना लो, चाहे 300 आउटपुट बना लो, एक शर्ट पे 3 मीटर लग रहा तो 3 मीटर ही लगेगा, राइट। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज है कि आउटपुट इंक्रीज होने के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी क्या रहेगी, सेम। इसी तरीके से फिक्स्ड, फॉर एग्जांपल आप रेट के चलो रेंट, एक फैक्ट्री आपने लिया रेंट पे, उस फैक्ट्री में चाहे आप 100 यूनिट्स बना लो, चाहे 1000 यूनिट्स बना लो, चाहे 10,000 यूनिट्स बना लो, आपको रेंट तो पूरा ही देना पड़ेगा ना, पूरा ही रेंट देना पड़ेगा। ये क्या है, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट। मान लो रेंट है 1 लाख, तो 1 लाख ही रेंट आपको देना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी मत बनाओ, जीरो प्रोडक्शन करो, लॉकडाउन में जीरो प्रोडक्शन, स्टिल आपको 1 लाख रेंट देना पड़ा उसका। 100 प्रोडक्शन स्टिल आपको देना पड़ेगा, 10,000 प्रोडक्शन स्टिल आपको देना पड़ेगा, रेंट आपको देना ही पड़ेगा फिक्स्ड। तो ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है जो होगी होगी। आउटपुट कितनी मर्जी इंक्रीज हो जाए, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगी नहीं, नहीं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं इंक्रीज होगी। मान लो 1 लाख रेंट था, अगर आप 1 लाख रेंट, ये फिक्स्ड है टोटल में, अगर आप प्रोडक्शन जीरो करते हो तो पर यूनिट कितना, सॉरी जीरो नहीं, 100 करते हो तो पर यूनिट कितना आएगा, 1000, पर यूनिट कॉस्ट 1000। अगर आप 1 लाख को 1000 यूनिट्स बनाते हो तो पर यूनिट कितना आएगा, 100। अगर 1 लाख पे 1 लाख यूनिट्स बनाते हो तो पर यूनिट कितना आएगा, 1। तो आपने देखा जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बनती बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ती जा रही है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। दीज आर टू प्रॉपर्टीज। अगेन आपने देखा, पहले हमने 100 से डिवाइड किया, फिर हमने 1000 से, देन 1 लाख से, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे हमारी आउटपुट बढ़ती जा रही है। आउटपुट के इंक्रीज होने से फिक्स्ड कॉस्ट हमारी पर यूनिट डिक्रीज होती जा रही है। टोटल आउटपुट कितना मर्जी हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम है, चाहे हम 100 बना ले, चाहे हम 1000 बना ले, चाहे हम 1 लाख बना ले, 1 लाख हमें रेंट पे करना ही पड़ रहा है, करना ही पड़ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। अगेन वेरिएबल कॉस्ट, अगर कल्याण इंस्टीट्यूट में 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो 100 बुक्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दीज आर वेरिएबल कॉस्ट। अगर 10 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो 10 बुक्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दीज आर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, बुक्स। जिस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितना आउटपुट, जितना यूनिट इंक्रीज होता जा रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उतनी ही बुक्स प्रिंट करवानी पड़ेगी आपको, उतनी ही प्रिंटिंग का आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। पर अगर 1 बुक की प्रिंटिंग कॉस्ट देखें तो वो तो सेम है ना, वो तो सेम है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी ना, ये तो सेम है हमारी, राइट। अब कल्याण इंस्टीट्यूट में ही हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं। कल्याण इंस्टीट्यूट ने अपने टीचर को पे करने वाला, चाहे इस टीचर से 10 स्टूडेंट्स पढ़े, चाहे 100 स्टूडेंट्स पढ़े, चाहे 1000 स्टूडेंट्स पढ़े, कितने भी स्टूडेंट्स पढ़ ले, कल्याण इंस्टीट्यूट ने अपने टीचर को 1 लाख ही पे करना है, 1 लाख पे करना। दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, जो टोटल में क्या रहती है, कॉन्स्टेंट। अब 1 लाख कॉस्ट है, 1 लाख रुपीज पे करना है। अगर 10 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो ईच स्टूडेंट कितना आएगा, 10,000। अगर 1 लाख डिवाइड बाय 100 करते हैं तो कितना आएगा, 1000। और 1 लाख डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो 100। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, आउटपुट बढ़ती जा रही है आपकी, वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। हमेशा याद रखना ये दो प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ उल्टी पुलटी है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट से, राइट। ओके, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।